कुछ हफ्तों से सर्वर के अंदर काफी ज्यादा आइटम्स दिखने लगे थे। किसी को ये पता नहीं था कि ये सारे आइटम कहां से आए हैं और इन्हें किसने बनाया है, और जिसने भी ये आइटम बनाया है उसने इस सारे आइटम को एक सीक्रेट वॉल्ट के अंदर छुपा रखा है, और उन्हें इस वॉल्ट पे काफी भरोसा था कि कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन उनकी ये गलत फहमी थी, वॉल्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि मुझे कुछ ही मेहनत लगा इसे ढूंढने में, एंड फाइनली ये वॉल्ट मुझसे बच के जा ही कहां सकता है। ओके, तो इन लोगों ने सारा खजाना यहाँ छुपा रखा है। क्या बनाया है इन लोगों ने? अरे भाई साहब, ये तो अंदर से पूरा खाली है। चलते हैं। ये लावा है यहाँ पे। ये क्या बनाया इन लोगों ने? बाप रे, मतलब सारा खजाना इन लोगों ने यहाँ छुपा रखा है। भाई साहब, इतने सारे चेस्ट में इन लोगों ने आके रखा क्या है भाई? क्या ये सारे ड्यूप्ड आइटम है? ओ माय गॉड, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, भाई साहब क्रिस्टल, ओ भाई स्विचिंग टेम्पलेट्स, नेदरराइट ब्लॉक ऑफ नेदरराइट। लेट्स गो, सारा सामान इंडर चेस्ट के अंदर डालते भाई, इतने सारे इलीगल आइटम है। ओके, तो अभी के लिए तो ये सारा मुझे यहाँ से जलाना होगा, क्योंकि सारे सर्वर के वो आइटम्स है लिटरली लोगों ने ड्यूप किए हैं, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए मैंने बहुत सारे TNT भी लाए थे। लेट्स गो, चलो इनके लगा देते हैं आग। लेट्स गो। ओ एक सेकंड, नहीं ये फेंकते हैं। ओ व्हाट व्हाट, वेलकम टू द सीक्रेट वॉल्ट ओसान भाई। अबे एक सेकंड, तू कौन है भाई और ये तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ओसान भाई, आपको वो सब बहुत जल्द पता चल जाएगा, एंड आई थिंक आपने कुछ सामान तो चोरी कर ही लिया होगा। भाई एक सेकंड, चोरी? तुम लोगों ने ड्यूप करके पूरे महल बना रखे है, ये ऐसा किसी का सीक्रेट वॉल्ट देखा है ऐसा इतना ह्यूज सा? गलती से भी यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, एक एरो लगा क्रिस्टल पे इकट्ठे सब फटेंगे और आप यहाँ पर खत्म हो जाओगे। एक सेकंड, मतलब तुम यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे थे? वो सब तो छोड़ो ओसान भाई, बट आपका खास दोस्त आपका इंतजार कर रहा है एंड आने ही वाला कुछ देर में। भाई एक सेकंड भाई, तुम क्या क्या बोल, वो कौन है मेरा दोस्त और आने कौन आ रहा है यहाँ पे? वो अब तुम्हारा जानी दुश्मन है एंड एक टाइम पे बहुत खास दोस्त था। एक सेकंड, कहीं तू उसकी बात तो नहीं कर रहा? मैं अभी उससे बहसबाजी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं ना ही चाहता हूँ कि मैं अभी उससे बात भी करूँ एट दिस मोमेंट। तो एक काम करना, उसे बोल देना कि ओसान जो है यहाँ से निकल रहा है, और वो तुम्हें कभी बाद में मिलेगा तुमसे, ठीक है? मैं चलता हूँ, बाय बाय। ओसान भाई, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ भाई, वरना मुझे अपनी पे आना पड़ेगा। लास्ट वार्निंग का क्या, मैं तो निकल गया, क्या कर लोगे, लगा लो क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल से डरे हैं के? क्या हुआ भाई, तुम्हारे क्रिस्टल काम नहीं कर रहे क्या भाई? ये तो अगदी है भाई, लगता है मेरे को खुद ही आना पड़ेगा। हाँ जाओ भाई, मैं तो निकल गया भाई। जो तुमने ट्रैप बनाया ना, ये काम नहीं किया, नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्रैप बनाना। और तुम्हारे जितने ये TNT है इनको भी फोड़ ही देता हूँ, ये क्यों रुकेंगे? रुको, ये लो भाई, मैं जितना फोड़ सका फोड़ देता हूँ। अरे पकड़ो भाई उसे, भाई फटाफट यहाँ से निकलो भाई, ये पता नहीं क्या ही बनाया, बट जो भी है। ओसान भाई, अगर 2 मिनट रुक जाओ ना, फिर बताते हैं तुम्हें अपनी टीम का जलवा। अरे भाई 2 मिनट क्या भाई, अब मिलते हैं कभी और, चलो मैं निकलता हूँ भाई। लिटरली भाई, एक बार तुम पीछे देखो, इन लोगों ने क्या डिजाइन का बनाया ट्रेजर, और क्या हग्गू प्रोटेक्शन। लिटरली 1 से 2 बंदे थे और उनको मैंने इजिली एस्केप कर लिया, मतलब लिटरली भाई अब तो ये बचने वाले नहीं है, क्योंकि इनका पूरा सामान मैंने अपने इंडर चेस्ट में रख लिया था। और यस भाई, मेरे पास कुछ इलीगल स्टफ भी आ चुके हैं, अब इनको प्रूव करके इनको फंसा सका हूं मैं। तो चलो फटाफट से निकलते हैं भाई। भाई साहब, स्पॉन का हाल भी बहुत कुछ खास नहीं है, सारे लोग स्पॉन पे अब ज्यादा रहते नहीं है, सर्वर के अंदर कुछ भी चल रहा है। सेकंड, ये किसका बेस है? ये किसने बनाया? किसका बेस है? अभी नया नया बनाया, कब से बनाया है मुझे पता भी नहीं है। एक सेकंड अबला, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्पॉन पे बेस? व्हाट? अरे क्या बताऊँ ओसान भाई, किसी के ऊपर तो नजर रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हैं? नजर रख रहा है? इस पे रख रहा है भाई, क्या हो गया तेरे को? अरे ओसान भाई, है कुछ लोग जिन्होंने मेरा जीना आराम कर रखा है यार। कहना क्या चाह रहा है, मतलब हुआ क्या है, मतलब अच्छे से बताया। अब तुम्हें क्या बताऊँ ओसान भाई, तुम्हें तो सब कुछ पता है, कुछ लोग सर्वर के ऊपर इतना बुरा हाल कर रखे की यानी पूरे सर्वर को डोमिनेट कर रखे, एंड बस वही लोग है। ओ अच्छा, मतलब तू भी परेशान है? हाँ भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ, उस शैडो ने पता नहीं कहाँ से इतना सब कुछ कर लिया और पूरे सर्वर के ऊपर अब रूल कर रहा है। हाँ भाई, शैडो, भाई शैडो ने सर्वर का पूरा बुरा हाल कर रखा है, मैं क्या बताऊँ भाई, उसका हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। देखो सन भाई, आपको भी पता है एंड मेरे को पता है, उस शैडो ने पता नहीं कहाँ से ये ड्यूपिंग वगैरह कर लिया, पूरे सर्वर के अंदर ये ड्यूप हुए आइटम फैला दिए हैं, और अभी उसकी टीम के पास ये सारे ड्यूप आइटम है। लेकिन ओसान भाई, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो मेरे को, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें भाई? देखो ओसान भाई, शैडो ने अपने जितने भी ड्यूप आइटम है वो बहुत सारे अलग अलग वॉल्ट के अंदर छुपा के रखे हैं। राइट भाई, वो तो मुझे भी पता है।
आपको भी पता है? हाँ, मतलब मैंने भी बहुत अपने एंड से कोशिश की है उसको एक्सपोज करने की, कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं, लेकिन इन सबूत से कुछ नहीं होने वाला। हमें और ठोस सबूत चाहिए अगर उसे सर्वर से बैन कराना है तो। हाँ, इन छोटे मोटे सबूतों से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास जो प्लान है, जो मैं आपको प्लान बताने जा रहा हूँ, उससे बहुत कुछ हो सकता है उसान भाई। ओके, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? तो उसान भाई, जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको मेरे को कुछ प्रोमिसेस करने पड़ेंगे। प्रोमिसेस? ओके चल ठीक है, मानता हूँ। क्या है तेरी प्रोमिसेस? तो उसान भाई, मेरे को शेडो के वॉल्व के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, मैंने थोड़े दिन रिसर्च करी है उसके बारे में, लेकिन जब भी हम उनके वॉल्व पे जाएंगे और जो सामान मिलेगा वहाँ पर लूटने पर, तो उनको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे और वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि हमने उन सामान को डिस्ट्रॉय किया है, ना ही शेडो की गैंग को और ना ही शेडो को। देखो अबला, मैं तुम्हारी सारी प्रोमिसेस को मानता हूँ, क्योंकि यही अच्छा होगा सर्वर में, ताकि किसी को पता ना लगे और सब कुछ फेयरली हो जाए। तो आई एम विथ यू। चलो खत्म करते हैं यार, उनको हो गया यार उनका बहुत। ओके उसान, तो यहाँ से ठीक सामने उस शेडो का कासल, एंड वहीं पर वो अपने सारे ड्यूप्ड आइटम रखता है, एंड वो कासल इतना ज्यादा सिक्योर है ना, उसके चारों तरफ बाउंड्री वगैरह बनी हुई है, एंड वहीं से वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करता है सारे ड्यूप्ड आइटम का। ओ भाई, ये तो काफी बड़ा कासल है भाई, मतलब इन लोगों ने ये ड्यूप्ड आइटम से बनाए सारे, दिख रहा है भाई, फुल क्रेजी है यार ये तो काफी। अरे उसान भाई, उसके बीच में मत जाओ, थोड़ा आराम से। तू किधर है भाई? तू तो सामने दिख रहा। अरे उसान भाई, इधर आओ जल्दी, इन्विस्पोशन मारते हैं और फटाफट से एंट्री लेते हैं अंदर। ओके भाई, मारो इन्विस मारो। ओ लेट्स गो। हम हाथ में अभी के लिए कुछ टोटम रख ले, ताकि हम जाए तो मैं पता चले। हाथ में टोटम रख ले भाई, मेरे को तो काफी डर लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, अपने को भी जाना ही पड़ेगा। आजा, मैं तो बहुत शांति से चल रहा हूँ। इन लोगों ने तो काफी बना। अरे एक बंदा रहा, साइड। अरे हाथ में बॉल मत ले। आ रहा था, चला गया। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग घूम रहे हैं पूरे कासल में, तो दिखा तूने? अरे भाई, ये यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं भाई सारे लोग। हमला, मैं अंदर आ गया हूँ, मुझे एक बंदा दिख रहा है एफएम ऑन करके, और शैडो यहीं पे है भाई, इसी कासल के अंदर है। तो सन भाई ध्यान से सुनो, राइट में आप देखो, लेफ्ट में मैं देखता हूँ, जिसको पहले बेसमेंट का डोर दिखे वो सबसे पहले वहीं पे चला जाना, ठीक है? मैं तो घुस रहा हूँ भाई, मैं तो यहाँ पे कुछ तो है, लेकिन भाई मुझे लगता है बेसमेंट मिला है। अरे उसान भाई, मेरे को मिल गया, जल्दी मेरे पास आओ। हाँ यार अबला, आसपास बंदे हैं बहुत सारे यार, मुझे डर लग रहा है। डोर खुला है, वो मैं आ रहा हूँ। नीचे है क्या सब कुछ? हाँ नीचे। भाई सुन, जल्दी कर, उनको आवाज चली गई होगी। भाई साहब, ये क्या है भाई? इनविज हट गया। अरे इनविज हट गया तेरा भाई, मैं कहूँ इनविज लगा, मुझे भी लगा। भाई साहब, काफी ड्यूप्ड आइटम है। ओए ये देख अबला, करना क्या इनका? ये कुछ नहीं करना, ये ले टीएनटी और आर्मर पे। चलो भाई, लगा दिया भाई, लेट्स गो। ओ भाई निकलो, ऊपर आ जल्दी अबला, जल्दी आ भाई। अरे नहीं, लग गया, भागो, अभी वो लोग भी आ गए। शिट, भारा अबला भारा। ओ शिट, नहीं, भाग, लड़ना नहीं, अबे बहुत सारे लोग हैं, लड़ना नहीं। अबे उसान भाई निकलो ना, करना क्या है? मैं तो निकल गया पल करके। भाई यार ये लोग आ गए बहुत पास। अरे सीट भाई, हेलो उसान भाई, तुम हमारे महल में कैसे आए? अरे तुम्हारे महल, तुम्हारे ड्यूप्ड आइटम का महल, इसको महल कहते हो तुम? निकल गया भाई मैं तो। दोस्तों इनका पीछा करो, इनको छोड़ना नहीं है। अबे कहां भाई, तुम्हारा पूरा ड्यूप्ड आइटम खत्म कर दिया हमने। वीडियो में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कूल सर्वर के बारे में बताने वाला हूं। क्या बात कर रहे हो उसान भाई? अरे हां कॉपी भाई, स्क्रीनशॉट देखो एक बार। तो ये है एक्स गेमिंग की तरफ से काफी कूल सर्वर, जहां पर काफी अलग अलग गेम मोड देखने को तुम्हें मिल जाएंगे। इस सर्वर के अंदर काफी कूल एनपीसीज है, और इसके अंदर तुम्हें एआई देखने को मिलेगा, वो तो तुम्हें लिटरली सर्वर में ज्वाइन होने के बाद ही पता चलेगा। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, और यहां पर तुम्हें मैं इस सर्वर के सबसे कूल फीचर दिखाने वाला हूं, जो कि है क्वेस्ट एनपीसी, जहां पर तुम एनपीसी से टास्क ले सकते हो, और उस टास्क का यूज करके तुम बहुत सारे कॉइन जीत सकते हो। यहां पर तुम्हें दो एनपीसी मिलेंगे, जेरी और जॉनसन, जिससे तुम क्वेस्ट ले सकते हो। और क्लिक करते ही मुझे टास्क मिल चुका है, और अब मैं करूंगा आरटीपी, और फाइनली एंडरमैन को मुझे मारना पड़ेगा, और सारे एंडरमैन को मारने के बाद ही मेरा क्वेस्ट पूरा हो जाएगा। और ये देखो मेरे कितने सारे कॉइन्स यहां पर मिल चुके हैं। और इस सर्वर में और भी मजेदार चीज है, जैसे कि क्रेट कीज तुम्हें देखने को मिलेगा, शॉप इजीली तुम्हें एक्सेसिबल है, यहाँ पे लीडर बोर्ड्स में तुम अपने नाम को ऊपर दिखा के काफी चौड़ जमा सकते हो, और इस सर्वर का आईपीएन पोर्ट तुम्हें स्क्रीन पे देखने को तो मिल ही रहा है, और सारी डिटेल पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इस सर्वर काफी ज्यादा मजेदार है, और इस सर्वर के अंदर मेरे पास 2900 कॉइंस, और तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना है कि तुम्हारे पास कितना कॉइन है, और अगर नहीं है तो फटाफट से ज्वाइन करो यार, क्या कर रहे हो? तो चलो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बच गया, लेट्स गो यार, उस शैडो को भी हरा दिया, एंड भाई उसके सारे ड्यूप्ड आइटम खत्म कर दिए। भाई ना भाई, क्या सही इन्फॉर्मेशन दी तूने भाई, उस कासल के अंदर जहाँ सारे ड्यूप्ड आइटम खत्म हो गया, मेरे को लग पूरा टीएनटी तोड़ा दिया भाई। फाइनली भाई, अब देखो यार, शैडो को मार तो नहीं पाए, उसकी टीम को भी नहीं मार पाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे, हम बस दो लोग थे, हम प्रिपेयर भी नहीं थे, बट ठीक है, हमने उसे कहीं ना कहीं तरीके से तो हरा ही दिया है। और ये एसआई के सब ड्यूप्ड आइटम की कहानी जो है वो बहुत तहा तक खत्म हो गई है। खत्म हो गई है व्हाट भाई? खत्म तो कर दी है ना, अब क्या बचा? सब कुछ तो खत्म हो गया, शेडो को खत्म कर दिया ना उसके आइटम्स को। नहीं अबला, जो तू सोच रहा है इतना आसान नहीं है, ये तो बस एक मोहरा था, ऐसे और भी लोग हैं। अगर मैं तुझे बताऊं ना तो दिमाग फट जाएगा। एक काम करते हैं अबला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सर्वर के अंदर और कितने ड्यूप्ड आइटम है। मेरे साथ चल, आ जा मेरे पीछे। अबला वेलकम टू द सीक्रेट वर्ल्ड।
इंसान भाई। भाई ये इतना बड़ा पिरामिड भाई, ये कहाँ से बनवाया भाई, किससे बनवाया? पता नहीं भाई, ये शैडो का वोट था जिसे मैंने ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, थोड़ा सा बचा था। शिट भाई, ये कितना ज्यादा तगड़ा यार। और रुक, तुझे अंदर से दिखाता हूँ, मैंने अंदर से तोड़ दिया है बट थोड़ा बचा है, तो वो भी दिखाता हूँ। इधर लावा में कूद जा, ठीक है, चिंता मत कर, बस जंप कर जियो। भाई ये क्या है भाई? यस भाई, ये है इनका सीक्रेट वोट। और चेस्ट देख एक बार भाई, सारे चेस्ट में भाई ड्यूप्ड आइटम रखे हुए हैं, और मैंने इनका ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर ही दिया था बट काफी बच गया था। व्हाट द हेक, इतना सारा ड्यूप्ड आइटम, बहुत भाई बहुत। अब अबला बाहर आ, तुझे एक सरप्राइज चीज दिखाता हूँ। ये देख अबला, यार है 3 डेडलीस्ट कैनन जो इस पूरे पिरामिड को खत्म कर देंगे। व्हाट भाई, अब इस सारे कैनन में TNT भरे पड़े हैं और इन कैनन का यूज करके हम इस पूरे पिरामिड को खत्म करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? भाई मैं तो हमेशा से रेडी हूँ भाई। भाई मैंने दबा दिया, लेट्स गो भाई साहब। यानी क्या होगा, TNT निकल रहे हैं और देखते हैं। ओ भाई कुछ तो हो रहा भाई, ओ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और देखते हैं TNT आ रहे हैं। ओ लेट्स गो भाई, खत्म है भाई, खत्म है। अरे हुसैन भाई, ये तो धीरे धीरे पूरा खा जाएगा इस पिरामिड को। और क्या भाई, अगर और जरूरत पड़ी तो और कैनन लगा देंगे भाई, खत्म कर देंगे पूरा भाई। Let's go. जो अबला भाई देख रहे हो, क्या ही कर दिया हमने इसका पूरा हाल, पूरा का पूरा खत्म कर दिया इसको। अब तो भाई लग ही नहीं रहा यहाँ पे कुछ था भी भाई। यस अबला, फाइनली हमने इनका ये वर्ल्ड को खत्म कर दिया है। और अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अबला कहानी कुछ ऐसी है कि स्टार्टिंग में ड्यूपिंग मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन मेरा एक सर था कि हम ड्यूप का हद से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। लेकिन मेरे कुछ दोस्त, इसमें से एक शैडो भी था, जिन्होंने ड्यूपिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और इन्होंने उसका मिसयूज किया। और उसका हाल तुम देख सकते हो, सर्वर के अंदर सारे लोग ड्यूपिंग यूज करे और शैडो की पूरी गैंग ड्यूप ग्लिच का यूज करके सारे आर्मर एंड एवरीथिंग कर रही है और सर्वर को डोमिनेट कर रही है। हालांकि हमने इनको थोड़ा कमजोर तो कर दिया है, लेकिन अबला इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शैडो तो बस एक दोस्त था मेरा। एक दोस्त से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे क्या और भी दोस्त ड्यूपिंग करते थे क्या? हाँ अबला, सर्वर के अंदर मेरे और भी दोस्त है जिन्होंने ड्यूपिंग की। ओके हुसैन भाई, मेरे को वो सारी लोकेशन बताओ जो तुम्हारे को पता है, एंड मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ लोकेशन ढूंढने में, एंड इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। आ जाओ अबला भाई, एक और लोकेशन है, और ये लोकेशन मेरे उस दोस्त का जो पहले मेरे साथ ड्यूपिंग करता था, और ये इसका वॉल्ट है। मुझे थोड़ा बहुत पता है बस इसके वॉल्ट के बारे में, कभी आया तो नहीं हूँ बट यहीं पे है। ओके ओके भाई, मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा, चले क्या फिर नीचे? चल नहीं है अब आया। अच्छा अच्छा, किधर से चले, किधर से चले? इधर से डिक कर है, इधर से डिक कर, आ जाओ। ओके 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 ओके, क्या चलते हैं? TNT लाया ना साथ में? हां लाया हूं। अबे इतना नीचे नहीं होगा भाई, रुक जा। इतना नीचे भाई, वॉल्ट है। ओ ये रहा ये रहा, आ जा भाई, मेरा वॉल्ट क्या है? भाई ये क्या है अबला? ये देख भाई, एक और वॉल्ट है भाई, यहाँ तो काफी सामान है भाई। ये क्या है? अबे इन लोगों ने तो पूरा किट को ड्यूप कर रखा है। ये देख, ये किट काफी फेमस है इस सर्वर में और पूरा किट कर रखा है। सुन अबला, TNT लगाना चालू कर, मैं भी इधर लगाता हूँ TNT, आ जाओ। ये क्या है बे? अबला नीचे देख, ये क्या है नीचे? रुक मैं देख क्या है नीचे, क्या है? अबे अबला ये क्या है भाई? यहाँ तो स्कल सेंसर लगा और एक चेस्ट है और उसके पीछे एक बेल है। अरे भाई लगता है कोई ट्रैप है, बच के रहना। पता नहीं भाई, लेकिन चेस्ट खोलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे जानना है चेस्ट में क्या है भाई। अरे भाई तुम्हारे सबर नहीं होती क्या किसी चीज की? बे यार अभी एक ही बार तो हल्ला होगा, तू है ना, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, रुक मैं देखता हूँ। अरे बुक है इसमें तो एक 5, अभी इसमें बस 5 लिखा हुआ है। 2-1 लुक बिहाइंड। अबे आ गए तुम? अबे तू कौन है? क्रिस रेज भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई मैं इस वॉल्ट का गार्ड हूँ। वॉल्ट का गार्ड हूँ? एक सेकंड भाई। अरे ओसान भाई क्या कर रहे हो, पेलो ना उसको जा करके जल्दी से। सही बोल रहा है तो, वैसे तो ऑनेस्टली ये फालतू में बहसबाजी का टाइम नहीं है, रुको आ जाओ भाई, आ जाओ सिस्टम करते, आ जाओ इसका सिस्टम करते हैं। ओ मर गया भाई, लेट्स गो भाई, ये तो शुरू होता ही नहीं, पट गया भाई, लेट्स गो भाई, चल 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 भाई, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ भाई, लेट्स गो। अरे ओसान भाई रुको, इधर आओ। क्या 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 हुआ? अरे ऊपर आ जाना, क्या हुआ? अरे अरे सुनो, उसको भी मारा ना उस बंदे को, वो चमूना था जो, पता है उस इन्वेंटरी में मेरे को ये वन स्टैक नेदरराइट के ब्लॉक्स मिले भाई। क्या क्या दिखा 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 मेरे को, दिखा मेरे को, दिखा। अबे अबे साले ड्यूपर्स भाई, ड्यूपर्स, रुक मैं देखता हूँ। अबे भाई ये तो काफी भाई साहब, ये क्या है भाई? अबे काम कर, सुन अबला अभी ये तो कंफर्म हो गया भाई, ये लोग ड्यूपिंग व्यूपिंग तो कर ही रहे हैं ना, अब तो TNT लगा और निकल। ए भाई हो गया खत्म, हो गया भाई, लेट्स गो निकलो। अरे ओसान भाई अब तो हमने सारे ड्यूप्ड आइटम खत्म कर दिए यार, अब तो सारी सर्वर के अंदर पीस रहेगी यार, सब कुछ एकदम मैनेज रहेगा। और क्या भाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है अबला, मैंने अपने सारे दोस्तों के वॉल्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिए, और अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वॉल्ट बचा है, हमने सारे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए, काफी टाइम लगा बट यस अब सर्वर काफी फेयर चलेगा। वही ना भाई, लेट्स गो यार, अब सब कुछ ठीक रहेगा। अरे ओसान भाई सुनो ना यार, मैं आपको कुछ देर से कुछ बताना चाह रहा था यार, वो है ना क्या बोलते हैं, अपन इतनी देर से ये सारे ड्यूप्ड आइटम खत्म कर रहे हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के सारे बेस को फोड़
रहे हैं, तोड़ रहे हैं एंड सबको मार रहे हैं। एंड अपने हमने इतना सब कुछ किया तो यार अब मेरे को ना डर वर लग रहा है यार कि हम पन फंस गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ना मैं अपनी ट्राई अपनी तरफ से तो फुल ट्राई करूंगा कि मेरे को जो भी मिले ड्यूपर आइटम मैं उसको खत्म कर दूं, और आप भी करना। लेकिन अभी मैं आपके साथ ना क्या बोलते हैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा यार आपकी वो सब कुछ खत्म करने के लिए। अभी क्या हो गया है तेरे को, हम साथ में तो सब कुछ कर रहे थे ना, और कौन कह रहा है तेरे को मेरे साथ हमेशा रहना पड़ता है? एक सेकंड, मतलब क्या हो गया, मतलब सही तो चल रहा है सब कुछ, कौन मार रहा है तेरे को, कौन डरा रहा है भाई, क्या होगा, हम साथ में लड़ेंगे? अरे भाई डराएगा तो कौन, बिकॉज़ नाम अपना, लेकिन क्या बोलते हैं वो नहीं हो रहा यार अभी। अभी क्या हो गया तेरे को यार, अभी तक तो सब सही था, हमने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जितने ड्यूप्ड आइटम थे, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो अब रो रहा है भाई तू लास्ट में आके, क्या हो क्या गया है? वैसे भी खत्म तो हो ही चुके हैं ना, और जो है वो भी कर देंगे, वैसे आप कर देना यार अब ठीक है। अरे भाई दोस्त भाई हेलो, अरे अरे उसन भाई यार जितना करना था उतना कर लिया, और मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया यार, अभी आप अपने रास्ते एंड मैं अपने रास्ते, और वैसे भी अपना मोटिव तो सेम ही है ना, डिस्ट्रॉय करना इलीगल आइटम्स यानी डुप्लीकेट आइटम्स को, तो बस अभी आप जाओ यार। सर्वर के अंदर सारे ड्यूप्ड आइटम खत्म हो चुके थे, और जैसे ही सारे आइटम खत्म हुए अबला को पता नहीं कहां से दिमाग में आया और उसने डिसाइड किया कि वो मेरा साथ छोड़ देगा, मतलब अब वो अकेला खेलेगा और अपने आइडियोलॉजी को अलग से फॉलो करेगा। अब यहां पर चीजें मेरे को थोड़ी ससी लग रही थी, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अब वो मेरा साथ नहीं देना चाहता था, तो इसमें ये उसकी मर्जी थी, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, इसीलिए मैंने अबला पे काफी देर तक निगरानी रखी ये देखने के लिए आखिर अबला के साथ ऐसा हुआ क्या है कि उसने लिटरली अपना पूरा प्लान कोई चेंज कर लिया, अपने से दोस्त तोड़ ली, जिसका मुझे शक था वही हुआ। अबला अब कुछ और प्लानिंग के साथ चल रहा है, हो सकता है कि अबला ने एक और अपनी नई गैंग बनाई हो इस काम के लिए, और ऐसा अबला को लग रहा होगा कि मेरा काम खत्म हो चुका है। देर से इंतजार कर रहा हूँ कि बेस से कहीं चल रहा है नाइट, हम लोग किधर गया है वो, घर की तरफ कहीं तो जाता है, तरफ क्या है आज तो मैं इसका पीछा करके रखूंगा कि आखिर ये जाता कहाँ है। अरे फिलहाल के लिए तो बहुत दूर आ चुका है, पता नहीं किसी में पता नहीं, अब ये बस मुड़ के ना दे, ये मेरे रेंडर से बाहर हो गया लिटरली भाई, ये कहीं जा रहा है उधर की तरफ, तो मैं काफी देर से पीछा कर रहा हूं, और यहाँ पे बहुत देर से होल्ड करके बैठा है, आई डोंट नो क्या करना चाह रहा है, ये सिनविस का पोजीशन मुझे लगा लेना है, तो मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता, अभी जस्ट मेरे नीचे है, तो अगर इसने नेम टैग दिखा तो दिक्कत हो जाएगी। तो काफी देर हो चुका है और मुझे लग रहा है इसका सीक्रेट बेस है, आना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आई एम स्टिल एक सेकंड, नहीं ये इसका सीक्रेट बेस है, ये तो ओह शिट नहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसका मुझे शक था, भाई मैं जंप कर रहा हूँ, लेट्स गो भाई देखते हैं। ओके तो मतलब ये एंड में आया है, मैं आई हैव नो आइडिया एंड में आखिर क्या कर रहा है ये। अबे नहीं यार, ओह यहाँ पे एक ब्रिज है, ये मतलब मैं ओह ये रहा अभी नहीं मेरे पास उपलब्ध, ये तो भाई ये ब्रिज का नहीं पता मुझे कहाँ तक जा रहा है और कहाँ जा रहा है ये ब्रिज, बट आई गेस अबला यही कहीं जा रहा है भाई, आज तो पता लगा ही करूंगा, ये पता नहीं कहाँ तो चला गया, वो रहा वो रहा, ओह शिट भाई ये कितनी बड़ी ब्रिज है भाई, इस अबला ने तो पता नहीं भाई कहाँ ला के रख दिया भाई, लिटरली भाई इतनी घुमा रहा है मेरे को, मुझको समझ ही नहीं आ रहा मैं उड़ू चलू क्या करूँ भाई, इतने ब्रिजेस इतने वॉल्स ही कर रहा है ये। अबे यार ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा यार, ये तो रेंडर इस सर्वर का इतना कम है, मुझे दिखता ही नहीं है बंदा किधर है, वो उसका नेम टैग दिख रहा है। अबे एक सेकंड ये क्या है, ओ भाई साहब क्या बनाया है भाई, देखते ये रहा उसका नेम टैग दिख रहा है मुझे, ओके मतलब वो उधर जा रहा है, लिटरली ये बनाया क्या है भाई, ये क्या है भाई, इतना बड़ा स्पेसशिप है क्या है, स्पेस स्टेशन, भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ बट आई हैव नो चॉइस, भाई साहब पता नहीं कहाँ चला गया अबला, और पता नहीं ये क्या ही बिल्ड है भाई, यहाँ रहता कौन है क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भाई लिटरली यहाँ पे खाना पकाना सब चल रहा है, यहाँ पे मुझे अपना नेम टैग दिख रहा है, एकदम ब्लैक अबला नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन एरिया है क्या बहुत, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अबला भी यहीं पे है, ओके मतलब ये अबला यहाँ पर आया है, पास तो इनको जा रहा होगा, यहाँ पे लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं प्रॉपर, भाई ये क्या चल रहा है, एक काम करते हैं मेरे पास कैम है फ्री कैम, थोड़ा दिखा दूं मैं तेरा फ्री कैम, ओ मैं आ गया अंदर, ओ ये तो मतलब ये आपस में कर रहे हैं क्या चल रहा है, ए भाई ये तो डिस्कशन चल रहा है इनका, और अबला आई गेस इनके साथ मिल चुका है, ये लोग कौन है वैसे यार, ये इतना बड़ा यहाँ पे खाना वाना बना रहे हैं, ओ भाई साहब यहाँ पे तो काफी ज्यादा चेस्ट वेस्ट है भाई, मतलब ये भी कोई ड्यूप्ड आइटम का ही रूम लग रहा है क्योंकि इतना ज्यादा सामान, ये लोग किसको देख रहे हैं, हेलो गाइस कैसे हो भाई लोग, हेलो सान भाई कैसे हो, आप यहाँ पे कैसे, अबे आप यहाँ पे कैसे, पहले ये बता ये क्या है भाई, यहाँ तू क्या कर रहा है, और इतने सारे लोग कौन है ये लोग, अबे एक सेकंड गेमर हिंदी देखा देखा सा लग रहा है, अभी तो देखा मैंने तेरे को इस सर्वर में, ओसान भाई पिरामिड याद आया कुछ, ओ अच्छा तो मतलब उसमें तुम थे और ये भी तुम लोग का ही है भाई साहब, मतलब तुम सब मिले हुए थे, हाँ ओसान भाई हम सब एक साथ है, और जितने भी हमारे ओपोनेंट थे हमने तुम्हारे साथ मिल करके सबको खत्म कर दिया, एंड अभी जितने भी ड्यूप्ड आइटम है वो सिर्फ मेरे पास है एंड और किसी के पास भी नहीं है, एंड उन ड्यूप्ड आइटम को यूज करके मैं इस पूरे सर्वर पर रूल करने वाला हूँ। अबे इसका मतलब तूने मेरे सारे दोस्तों का इन्फॉर्मेशन निकाला और उससे सारे मेरे दोस्तों का ड्यूप्ड आइटम खत्म कर दिए, अब बस तुम्हारे पास बचा है, अरे ओसान भाई तुम्हारे को बहुत
लेट समझ आया, ट्यूबलाइट जली लेकिन बहुत लेट जली। ए यार शिट। हाँ तो आसान, तेरा खेल अभी यही खत्म होने वाला है। तू आया तो मेरी परमिशन के बिना, बट यहाँ से जाएगा मेरी परमिशन के साथ। भाई अबला तेरे से उम्मीद नहीं थी, मैं सोचता था तू सर्वर का भला चाहता है और लिटरली तुमने इनको साथ दे दिया और सारे ड्यूब आइटम अब लाके इनको दे दिए। अरे बहसबाजी बहुत हो गई आसान, तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तेरे को मैं अभी मार दूं या तो फिर तू इस सर्वर से बैन हो जा। ओके चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे फंस तो चुका हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है मैं सारा सामान ड्रॉप कर रहा हूँ, ये लो भाई। आसान जल्दी कर, वो कब्रिस्तान पे खड़ा हो जा भाई। बाय बाय आसान। अबे अबे शिट। ओ ओ लेट्स गो भाई, स्काउट भाई, लेट्स गो, बच गए हम भाई साहब। तो मौत के मुंह से बच के निकला हूं मैं भाई, बैन होते होते बचाऊं। लेट्स गो, निकल 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 जल्दी निकल, अभी सेफ सेफ जगह जा, सेफ जगह चल। कैसा लगा भाई? भाई साहब क्या बचाया तुमने भाई, तुमको पता है लिटरली बोले वहां पे ड्यूब राइडन का पूरा खजाना रखे हुए हैं भाई, तुमको क्या बताऊं। अभी के लिए बेस स्पॉन पे चलो। इंटर चेस्ट दो मुझे, इंटर चेस्ट दो मुझे, इंटर चेस्ट दो, मेरा सामान है इंटर चेस्ट में, इंटर चेस्ट दो भाई। लेट्स गो भाई, पूरा इन्वेंटरी फुल कर लिया। अरे लाओ भाई, अरे लेट्स गो, अरे लेट्स गो, चलो चलो अभी यहां से निकलो भाई। वो लोग पीछा कर रहे होंगे, पता नहीं उनको दिखा नहीं होगा ना वो कि मेरे पास वो आया है, क्या बोलते हैं, मरा नहीं हूं मैं। अच्छा मेरे पीछे आओ भाई, इनका मुझे लोकेशन मिल चुका है भाई, इन्होंने सारा ड्यूप आइटम पता है एंड से यहाँ पर शिफ्ट किया। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, तुझे पता है ना क्या क्या करना है, मैंने जो बताया था। अरे भाई वो तो पता है, ये क्या है भाई? यही है वो लोकेशन जहाँ उन्होंने सारा ड्यूप आइटम छुपा रखा है। एक काम करते, तोड़ के चलते सीधा और देख के आते अंदर क्या चल रहा है। लाइट्रा पहन लो, उड़ना है हमें नीचे। अबे देख लेंगे, तू आ ना भाई, तू आ ना भाई, एक बार नीचे तो देख कितने सारे लोग है। व्हाट द हेल भाई, क्या ये? और क्या भाई, नीचे तो देख एक बार, खजाना भाई। बंदे आ गए इधर। अरे इग्नोर कर उनको भाई, सब प्लान करके आया हूं मैं, चिंता मत कर, इनके पास चलते हैं ठीक है। अरे 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 भाई, ये लोग मार रहे हैं भाई। ओ शिट, ओ नो, ओ नो भाई, बच के बच के बच के रहो। अरे अरे हाँ हाँ, अरे अरे इनको वीसी लिखो, बुलाओ भाई, पागल हो गए लोग। ये क्या है भाई, पहले ये तो बताओ। अरे तो आसान भाई, यहाँ पर पहुंचे कैसे तुम? अरे भाई अब क्या करे, पहुंच गए हम कैसे करके। लेकिन भाई हमने तो इसको कितना सीक्रेट रखा था, ओशन के बीच में ही है, हमारे को भी जानना है भाई तुम पहुंचे कैसे, कोई और आ गया तो यहाँ पे। बहुत लंबी स्टोरी है, बाद बताएंगे। हाँ भाई अभी तो बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं, अभी बस हम ये जानना चाहते कि क्या इस वॉल्ट में वो आखिरी ड्यूब आइटम रखा है तुम लोगों ने। अरे आसान भाई, अब तुम्हारे क्या, तुम्हारे को तो पता ही है ना सारे कांड में हमारे। आई नो, इसीलिए मैं तुम लोग के लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, देखना चाहोगे वो सरप्राइज दोस्तों? दिखाई देते ना, ये देखिए। ओके बड़ी भाई, क्या आप रेडी हो? जरा इनको सरप्राइज दिखाओ इनका। अभी भाई जरा रुको, आ जाओ भाई, बुला लो बुला लो। वेलकम भाई फ्लेम भाई। यस फ्लेम भाई, यस ब्रो, ये है तुम्हारा खास सरप्राइज, कैसा लगा दोस्तों? यस आई नो कि तुम्हें ये सरप्राइज कुछ ज्यादा ही शॉकिंग लगा होगा, क्योंकि आई नो कि फ्लेम नहीं पूरे वर्ल्ड को बनाया है और अब इसी वर्ल्ड के अंदर वो आखिरी ड्यूब्ड आइटम बचे हैं और तुम सब के हाथों से अब ये सारे ड्यूब्ड आइटम जाने वाले हैं। ओ साल, लगता है तुझे पता नहीं है हम इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। देखो आई नो कि यहाँ पे तुम लोग बहुत सारे लोग हो और इतना बड़ा वॉल्ट है, मैं आराम से यहाँ पे मर सकता हूँ, लेकिन 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 एक आखिरी सरप्राइज तो मेरा खास दोस्त फ्लेम तुम्हें देना चाहता है, वो भी देखते ही जाओ, उसके बाद डिसाइड कर लेना ये वॉल्ट या हम तीनों लोग या फिर ये तुम्हारी पूरी टीम। ये ना फ्लेम भाई, सरप्राइज ये है तुम्हारे तुम्हारे इस वॉल्ट की चाबी दोस्तों, ये है तुम्हारे। क्या साबित करना चाहूंगा, निकलो मैं निकल गया, मैं निकल गया भाई, यहाँ से चलो फटाफट से, निकलो भाई, भागो भागो, और निकल गया मैं, निकल गया उड़ गया पूरा, उड़ गया पूरा। लेट्स गो भाई, रुको मैं देखता हूँ, भाई साहब पूरा उड़ गया दोस्तों। भाई बड़ी भाई हमने कर दिखाया भाई, और फ्लेम भाई थैंक यू यार तुम्हारा भी। लेट्स गो भाई, लिटरली लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई, और सारे ड्यूब आइटम खत्म हो गए पता है तुमको भाई, मजा ही आ गया यार। एक सेकंड ओसान, मुझे एक बात बता, उसका लोकेशन कैसे पता चला तुझे? अभी तुझे अभी तक समझ नहीं आया? देखो हुआ क्या कि फ्लेम इस सर्वर में अच्छा बिल्ड करता था, वो इसके लिए मशहूर था, तो उन लोगों ने ड्यूब आइटम दिया फ्लेम को एज अ लाइक प्राइस, और फ्लेम ने बना दिया वो बहुत ट्रेजर जो भी था वर्ल्ड, एंड फ्लेम से मेरी बातचीत हुई और फ्लेम ने बताया एक बंदे ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया इसको, तो फिर मुझे समझ में आया अच्छा ये लोग सीक्रेट वॉल्ट बना रहे हैं और सारा एंड का सामान वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने फ्लेम से बातचीत करके सारा टीएनटी वहां प्लांट कर दिया, और बस फिर उसके आगे क्या हुआ तूने तो देख ही लिया ना भाई, लिटरली ओपी प्लान था भाई, भाई और सोचा नहीं होगा ये, और क्या ये सब पहले से प्री प्लान था, बस मैं इंतजार कर रहा था सारा सामान एक जगह होने का ताकि सर्वर के सारे ड्यूप्ड आइटम को मैं खत्म कर दूं। और यस गाइस अभी के लिए बस इतना ही, और तुम लोगों को कैसा लगा ये प्लान मुझे बताना, और यार फ्लेम और बड़ी भाई तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू यार इस प्लान में साथ देने के लिए, लिटरली बहुत एग्जीक्यूशन लगा और बहुत मेहनत लगा, बट यस अभी के लिए बस इतना ही, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सर्वर को ऐसे ही हम सेव करते रहेंगे, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।